पपीता को विटामिन ए का खजाना माना जाता है। पपीते में अत्यधिक मात्रा में विटामिन ए होता है। इसके अलावा विटामिन सी भी पाया जाता है। वहीं पपीते में अधिकांश मात्रा में पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, क्षार तत्व, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, शर्करा आदि पाया जाता है। प्राकृतिक तौर पर इसमें फाइबर, कैरोटीन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पपीता खाने के बहुत सारे फायदे हैं। पपीता का सेवन हृदय रोगों से बचाव करता है। पपीते के बीज का उपयोग करके पाचन क्रिया को बेहतर कर सकते हैं। पपीते में पाए जाने वाले औषधीय गुण आंखों की सुरक्षा के लिए भी लाभकारी होते हैं। गठिया के मरीजों को पपीते का सेवन करना चाहिए। गठिया के लिए पपीता बहुत उपयोगी होता है। त्वचा की रंगत में सुधार के लिए पपीता बहुत लाभकारी माना जाता है। बालों को मजबूत करने और घने बनाने के लिए भी पपीते के पत्तों के रस का उपयोग कर सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक कैंसर से बचाव में पपीते के बीज फायदेमंद होते हैं। अधिक वजन होने पर मोटापा घटाने के लिए लोग पपीते का उपयोग कर सकते हैं। उच्च रक्तचाप के इलाज में कच्चे पपीते को फायदेमंद बताया गया है। प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए भी पपीते का सेवन बहुत लाभकारी होता है। पपीता अगर एक सीमित मात्रा में खाएं तो बहुत सारे लाभ है, लेकिन सेवन अगर अधिक मात्रा में कर लिया जाए तो कुछ नुकसान भी होते हैं। गर्भावस्था में पपीते का सेवन नहीं करना चाहिए। पपीते में लेटेक्स पाया जाता है जो गर्भाशय के संकुचन की वजह बन सकता है, जिससे गर्भपात, प्रसव दर्द, शिशु में असमानताएं हो सकती हैं। स्तनपान कराने वाली माताओं को पपीते के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है। उच्च मात्रा में पपीते का सेवन पीलिया की समस्या को बढ़ाता है। पपीते का अधिक सेवन नाक में कंजेक्शन, झंझनाहट, दमा जैसी सांस संबंधी समस्या के शिकार हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी की समस्या भी अधिक पपीते के सेवन के कारण हो सकती है। 1 साल से कम उम्र के बच्चे के लिए पपीते का सेवन नुकसानदायक होता है। ऐसे ही बहुत सारे फायदे और नुकसान होते हैं पपीता के। आप एक बेहतर स्वास्थ्य के लिए चाहें तो आप अपने डाइट में पपीते को शामिल कर सकते हैं। और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सेहत केयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।